register now. Hey guys, hi. Very good evening and welcome to all of you to the session. This is your master teacher Harsh Priyam and I am live in front of all of you. तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है जिंदगी? ऑल गुड? चलो तो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का NCERT सीरीज. नाउ इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आई गेस यू ऑल रिमेंबर कि हम लोग अभी तक शायद एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, इजंट इट? तो वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2 टुडे. तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वीडियो में करा दिया था. आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ऑफ एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस. हियर वी गो पीपल. तो हियर इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP. एक सेकेंड. हाँ, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज. मतलब आपको AP का पहला 4 टर्म लिखना है अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है. तो फर्स्ट वाले का देखो, फर्स्ट टर्म इज 10 और 10 के बाद एवरी टाइम द कॉमन डिफरेंस इज 10, इजंट इट? सो यू विल बी एडिंग 10 एवरी टाइम इन द फर्स्ट टर्म. तो आप 10 में 10 ऐड करोगे तो 10 10 20, 20 में फिर से 10 ऐड किया तो 30, 30 में फिर से 10 ऐड किया तो 40 एंड 40 में फिर से 10 ऐड किया तो 50 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट. 5 टर्म्स हो गए. ठीक है, चलो ये सारे लोग समझ गए होंगे. यस, ओके. तो अगर ये सारे लोग समझ गए तो लेट्स मूव ऑन. अगला देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? -2 है हमारा फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही चल गया -2. लेकिन इसके बाद D जो है वो 0 है. मतलब एवरी टाइम यू हैव टू ऐड 0 ओनली. तो अगर एवरी टाइम इफ यू आर गोइंग टू ऐड 0, इसका मतलब पक्की बात है यार कि अगला टर्म भी -2 उसके बाद भी -2 उसके बाद, क्योंकि आप कुछ ऐड ही नहीं कर रहे हो ना, 0 ऐड कर रहे हो. तो हेयर व्हाट वी विल डू, we'll write -2 and -2 dot dot dot. ठीक है, तो AP के सारे टर्म्स -2 हो गए. चलो अब इसके बाद थर्ड वाला देख लेते हैं. यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 4th, तो फर्स्ट टर्म मैं लिख दूंगा 4. इसके बाद एवरी टाइम वी हैव टू डू -3. ओके, इस टाइम हम ऐड नहीं करेंगे. इस टाइम वी विल डू -3 बिकॉज इट इज गिवन -3. D -3 है तो 4 - 3 क्या होना चाहिए? 4 - 3 इज अनडाउटेडली 1. देन 1 - 3 करोगे तो यू विल गेट -2. Then 2 - 3 करोगे तो it should be -5. -5 - 3 it should be -8 and so on dot dot dot. तो ये हो गया AP. ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th में बात करूं तो फर्स्ट टर्म इज -1. तो -1 I have written here. After that every time you will add 1/2. आप क्या करोगे? You will add 1/2 every time. So -1 में if you add 1/2 that will make it -1/2. -1 में हाफ ऐड किया तो क्या होगा? -half. और फिर -half में इफ यू अगेन ऐड हाफ तो -1/2 प्लस 1/2 कितना होगा? 0. 0 में फिर से 1/2 ऐड कर दो तो 0 + 1/2 दैट इज 1/2. अगेन 1/2 में फिर से 1/2 ऐड कर दो तो 1/2 + 1/2 1 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट. ये आगे जाते जाएगा. ठीक है, और उसके बाद अगर मैं फाइनल बात करूं यहाँ पे फिफ्थ वाले की, तो फिफ्थ वाले की अगर मैं बात करूंगा तो दैट इज -1.25 है पहला टर्म. तो पहला टर्म को मैं लिख देता हूं -1.25 और इसके बाद एवरी टाइम यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -0.25 -0.25. तो -1.25 में इफ यू विल डू -0.25 तो दैट विल मेक इट -1.5. सिमिलरली फिर -1.5 में -0.25 करेंगे तो दैट विल मेक इट -1.75 और फिर इसमें -0.25 तो इस दैट विल मेक इट -2 सो डॉट डॉट डॉट. तो ये AP बन जाएगा आखिरी वाले का. समझ आ गया? पक्की बात. देखो मैं सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ. तो पहले वाले का 10 20 30 40 दिख रहा है, 10 20 30 40. दूसरे वाले का -2 सारे -2 हैं. ठीक है, तीसरे वाले का अगेन वैसे ही 4 1 -2 -5 जैसा बताया था. चौथे वाले का वैसे ही D है हमारा हाफ और D हाफ होने के कारण से -1/2 उसके बाद 0 उसके बाद 1/2 एंड सो ऑन. और पांचवे वाले का भी वैसे ही -1.25 फिर -1.5 -1.75 -2. ओके एंड दैट्स इट. आ गया आंसर. ठीक है, समझ में आया सबको? चलो तो सबको समझ में आ गया. आई गेस ये चीज बहुत ही सिंपल थी तो आई गेस सबको समझ में आ ही गया होगा. और अगर सबको समझ में आ गया तो बेटा डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. और जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं लाइव सेशंस में वेदांतु के सारे मास्टर टीचर्स के साथ, अपने क्रैश कोर्स को या रिवीजन कोर्सेज में पढ़ना चाहते हैं लाइव, for their examination. तो for that link is given in the description box. देखना एक description box में ऐसा लिखा होगा vdnt.in/ytpro ऐसा करके एक link दिया होगा. तो you have to just go to this link, click on this link. एक बार जब क्लिक कर लोगे तो यू विल सी ऑल द डिटेल्स, जैसे कि आपको यहाँ पे अपने ग्रेड को सेलेक्ट करना है, फिर ग्रेड को सेलेक्ट कर लोगे तो बोर्ड सेलेक्ट करना है. ये सब सेलेक्ट करने के बाद यू विल रीच एट अ पेज लाइक दिस. यहाँ पे क्लिक ऑन दिस गेट सब्सक्रिप्शन. जैसे ही तुम क्लिक करोगे यू विल कम एट अ पेज लाइक दिस. आप यहाँ पे अपने सारे सब्सक्रिप्शन को चूज कर लो. 1 मंथ चाहिए, 3 मंथ चाहिए, 6 मंथ चाहिए, क्या चाहिए, जो भी चाहिए वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो. और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कूपन कोड लगा लेना HP Pro. इस कूपन कोड से होगा क्या कि आपका जो डिस्काउंटेड प्राइस है उस पर भी एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. मतलब जब पेमेंट करने जाओगे तो ये प्राइस फर्दर और कम हो जाएगी. बिना डिस्काउंट कूपन के ये इतने में ही मिलेगा. जैसे अगर 3 मंथ का कोर्स है तो 7,000 में मिलेगा, बट डिस्काउंट के बाद वो इतने में मिलेगा. ठीक है. और एक बात और बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो तुमने 10th में लिया और 3 महीने बाद अगर तुम 11th में चले गए तो 11th में वैलिड नहीं होगा. ऐसा नहीं है. जैसे मान लो जो बच्चा 6 मंथ का कोर्स लेता है तो 6 मंथ का कोर्स लेता है, इसका मतलब क्या, जाहिर सी बात है अभी कोर्स लोगे 6 मंथ का तो 11th में पहुंच चुके होगे 6 महीने बाद. तो 6 महीने बाद ये 11th में भी वैलिड रहेगा. ये ऐसा नहीं कि 10th में तुम पास किए और मार्च के बाद गायब हो गया, ऐसा नहीं है. 6 महीने मतलब 6 महीने तक वैलिडिटी रहेगी. तो आप 11th का भी पढ़ सकते हो. ठीक है. तो इस चीज को ध्यान रखना. तो दो स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू टेक इट, 1 मंथ का फीस आई गेस बहुत ही कम है, 2,700. और अगर वही 3 मंथ का लेते हो तो और कम पड़ेगा, और 6 मंथ का लेते हो तो और भी कम हो जाएगा. 6 मंथ का 11,500, तो अगेन 2,000 से कम पैसे पड़ रहे हैं. ठीक है. तो दैट वाज ऑल पीपल. थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग इन दिस सेशन. आई विल सी यू ऑल गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. अब अगले वीडियो में एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन करेंगे 5.1 का ही. ठीक है. 3rd और 4th क्वेश्चन में मिलते हैं. तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर, बाय बाय, बाय पीपल, बाय.